अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी के एमएलसी और के चंद्रशेखर राव की बेटी और केटीआर की बहन कविता ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब ये डेट हुई थी कि राम मंदिर को 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा, तब बीआरएस पार्टी की यहाँ पर शिकस्त हुई थी, कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आई थी तेलंगाना में। इसके बाद से कविता ने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया के ज़रिए, ये कहा था कि हमारी असली कामयाबी 22 तारीख को है, यानी 22 जनवरी को है, वो वही दिन है जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। कविता के दिल में इतना जहर और इस तरह से असली कामयाबी उसको मान रहे हैं, तो फिर ये लोग 10 साल एक सेकुलर पार्टी बोलकर चलाए हैं, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं। इससे कोई बात छुपी भी नहीं है, कई मस्जिदों को गिराया गया और कई लोगों का इनकाउंटर किया गया, निहत्ते मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया, पुलिस के ज़रिए जुल्म किया गया, ये कोई बात छुपी भी नहीं है। लेकिन इस तरह से कविता का इस तरह का बयान था, लेकिन सब खामोश रहे। एक तरफ AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी मामू को जिताने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ना ही तो कुछ लोग उनसे सवाल करने की कोशिश करें कि जिस मामू को आप जिताने की बात कर रहे थे, खैर मामू तो हार गए, लेकिन मामू का भारतीय जनता पार्टी का क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये खेल खेला गया है। लेकिन फिर आज कविता ने एक स्टेटमेंट दिया, उनसे मीडिया ने पूछा कि कल राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, लेकिन इतला ये मिली कि बीआरएस पार्टी को इन्विटेशन नहीं मिला, ऑफिशियल इन्विटेशन। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कई लोगों को इन्विटेशन भेजे हैं, वहाँ पर बीआरएस पार्टी को इन्विटेशन नहीं मिला। इस पर कविता ने कहा कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला ऑफिशियली, लेकिन कल ही नहीं, हम कभी भी जा सकते हैं, आप जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका। क्योंकि जिस तरह से मुसलमान अपने इबादत गाहों को जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वैसे आप भी कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन फिर ये जो खेल खेले हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो खेल खेले हैं, सेकुलरिज्म का जो खेल खेले हैं, इसका तो जवाब दीजिए। अफसोस की बात ये है कि आपको इन्विटेशन नहीं मिला, आप जिसके लिए इतना काम करें। बहरहाल इस तरह का कविता का भी असली चेहरा अब सामने आया है, देखते हैं सपोर्ट। बीआरएस पार्टी की ऑफिशियल का अयोध्या राम मंदिर इश्यू मीद इन्विटेशन एम रे अनपड़ी रामड़ अंदरवाड़ को एदो सदर्भ में एदो समय अयोध्या विजिट अवकाश तक वस्तु पुण्यक्षेत्री सदर्शन एदोकना अयोध्या सदर्शन भाग्यम अंदर कल भावस्ता बट रेप जगेट इवेंट ऑफिशियल इन्विटेशन लेटी वेल्लेक बट रामलवार टेंपल काबी एदर्भ में तक वेदा थैंक यू।